भारतीय न्याय संयता एक्ट 2023 मैंने आपको कहा था कि हमने जो भी आईपीसी पढ़े हैं वुमेन राइट एंड चाइल्ड राइट्स को तो लेके मैंने कंपाइल पीडीएफ में भी है, वीडियो भी है उन सब में एक शिफ्ट आया है क्योंकि जो हमारा आई हम अभी तक पढ़ रहे थे दैट हेज बिन रिप्लेस्ड बाई भारतीय न्याय संयता एक्ट ठीक है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वुमेन राइट right और चाइल्ड राइट right को लेके काफी कुछ चेंजेस इसमें हमें देखने को मिलेंगी मैंने आपको कहा था मैराथन सीरीज में भी कि अभी आईपीसी सेक्शन वाला जो एरिया है वो छोड़ दो उसको हम बाद में बीएनएस एक्ट में कवर करेंगे ठीक है तो आपके करंट अफेयर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हो गया एंड आपका स्पेशलाइजेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है तो जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं पहले मैं उनके लिए बता दू इसपे मैं कोर्सेज लेके आती हूँ आपके जेके एस एस सुपरवाइजर एग्जाम के ठीक है जेके एस सुपरवाइजर एंड उसमें हमारा स्पेशलाइजेशन वाला जो पोर्शन है वो कम्प्लीट हो गया है स्पेशलाइजेशन में करंटली हमारी मैराथन कम रिविजन सीरीज चल रही है तो फोर यूनिट्स के मैराथन कम रिविजन जो है वो कम्प्लीट हो गया है हमारा एंड uh, इन्ही फोर यूनिट्स के एम सी क्यू सीरीज भी कवर हो गई है अब हमारा रहता है यूनिट फाइव उसका मैं आप मैराथन आपको दे दूंगी अपलोड करूंगी उसका वीडियो प्लस मैराथन कम रिविजन प्लस उसकी एमसीक्यू सीरीज एंड उसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे स्कीम्स के जिसके ऑलरेडी कुछ वीडियोज मैंने अपलोड किए हुए हैं स्कीम्स के एमसीक्यूज की अलग प्लेलिस्ट बनी है मेरी चैनल पे अगर आप इन सब एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू तो दिस चैनल एंड कमेंट से बताएं आपको वीडियोज कैसे लगते हैं या अगर आप यूपीएससी और स्टेट पी एस सी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि आने वाले टाइम में जनरल स्टडीज से रिलेटेड वीडियोज इसमें आप देखेंगे या अगर आपका सोशोलॉजी ऑप्शनल है उसके वीडियोस भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे सोशोलॉजी यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी में करंटली मैं नितिन सांगवान एसेंशियल सोशोलॉजी जो है उसकी सीरीज कवर करवा रही हूँ एंड पेपर ए हमारा सोशियोलॉजी का कंप्लीट हो, हो गया है पेपर बी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है ठीक है तो ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था सिंस दिस वर्क इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हैं कॉमेंट्स में वो हार्ट के अंदर डॉलर वाला साइन आपको दिख जाएगा या वॉलेंटियरली भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आपको मेरा यूपीआई आई डी कॉमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा ठीक है तो ये मेरी प्रोफाइल है इंजीनियर रिसर्च स्कॉलर इन सोशियोलॉजी क्वालिफाइड नेट सोशियोलॉजी सिक्स ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग एव टॉट एट ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक स्टडी आई क्यू एंड अकेडमी तो स्टार्ट करते हैं आपके आईपीसी को रिप्लेस किया गया है भारतीय न्याय संहिता एक्ट 2023 से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी को रिप्लेस किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट 2023 एंड एविडेंस एक्ट को इंडियन एविडेंस एक्ट को किससे रिप्लेस किया गया है भारतीय शक्श एक्ट 2023 तो करंट अफेयर्स में आई होप आपने ये चीजें पढ़ी होंगी हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे स्पेशलाइजेशन के जो सिलेबस का पोर्शन है उससे इसमें क्या रिलेटेड चीजें हमें देखनी है तो भारतीय न्याय संहिता एक्ट जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इलेवेंथ ऑगस्ट 2023 को और इसने रिप्लेस किया इंडियन पिनल कोड एंड इसको बोला जाता है भारतीय न्याय सेकेंड संहिता ट्वेंटी एक्ट जो की पहले बिल थी तो सेकेंड क्यों बोला जाता है क्योंकि जब इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया उसके बाद कुछ फर्दर डिस्कशंस के लिए इसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया स्टैंडिंग कमेटी ऑफ होम अफेयर्स ठीक है स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ अलग रिकमेंडेशन दिए बिल को बिल को वापस भेजा गया ठीक है एंड सेकेंड टाइम स्टैंडिंग uh, कमेटी के रिकमेंडेशन को भी इनकॉर्पोरेट uh, किया गया इस वजह से इसको बोला जाता है भारतीय न्याय सेकेंड संहिता बिल क्योंकि डायरेक्टली पास नहीं हुई जब पहले कमेटी में गई तो कमेटी ने जो रिकमेंडेशन थी उनको भी एक्सेप्ट किया गया और फाइनली इस बिल को पास किया गया इट लार्जली रिटेन्स दी प्रोविजंस ऑफ आईपीसी तो ऐसा नहीं है आईपीसी को सारा नेगेट किया है आईपीसी के मेजर प्रोविजंस जो है वो आपको इस एक्ट में देखने को मिलेंगे हालांकि कुछ चेंजेस जरूर आई हैं कुछ नए ऑफेंसेस ऐड हुए हैं कुछ पुराने ऑफेंसेस को रिमूव किया गया है अब हम देखते हैं हमारे सिलेबस के रिगार्डिंग वो ऑफेंसेज कौन से है मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया है ये एंड कंपाइल पीडीएफ में भी है हम बोलते हैं बिलो द एज ऑफ सेवन कंसिडर नहीं किया जाता है क्राइम अगर किसी बच्चे ने किया होगा ठीक है एज कितनी बिलो सेवन तो उसको बोलते हैं एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या थी बिलो सेवन वो अभी भी रिटेन की गई है एट सेवन सेवन लेकिन कुछ केसेस केसेस में ये जो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एज है इसको एक्सटेंड किया गया है टू तो ट्वेल्व ठीक है वो किस बात पे किया है डिपेंडिंग अपॉन द मेचोरिटी ऑफ द अक्यूज कि जो अक्यूज है जिसने क्राइम किया है अगर वो सात साल से छोटा है तो चलो उस पर तो कोई ऑफेंस है ही नहीं इंक्लूडेड उसमें क्योंकि वो एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेवन है लेकिन कुछ केसेस में ट्वेल्व उसको एक्सटेंड किया गया है अगर जो बच्चा है उसकी डेवलपमेंट सही से नहीं हुई है एंड उसको ये नहीं पता है कि जो मैं क्राइम कर रहा हूं उस क्राइम का कॉन्सिक्वेंस क्या है ठीक है दैट स वो बच्चा कंप्लीटली हेल्थीली मच्योर नहीं हुआ है तो एज ऑफ क्रिमिनल रेस्पॉन्सिबिलिटी को कुछ केसेस में ट्वेल्व किया गया पहला बी एन एस टू शॉर्ट में यही आपका भारतीय न्याय संहिता एक्ट टू इट डिफाइन्स अ चाइल्ड टू मीन अ पर्सन बिलो द एज ऑफ एटीन हाउ एवर फॉर सेवरल ऑफेंसेज द चाइल्ड द एज ऑफ द फॉर ऑफेंसेज अगेंस्ट चिल्ड्रन इज नॉट एटीन द्रेशोल्ड फॉर माइनॉरिटी ऑफ विक्ट ऑफ फॉर रेप एंड गैंगरेप इज डिफरेंट तो इसका क्या मतलब हाँ बिलो द एटीन एज जो है उसको चाइल्ड कंसिडर किया जाएगा लेकिन जो विक्टिंग अपॉन के रेप हुआ है किसी विक्ट गैंग रेप हुआ है ठीक है तो उनकी एज जो है क्या वो विक्ट जो है माइनर कंसिडर किया जाएगा और कितनी उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए किस एज ब्रैकेट के विक्ट को वो चीज जो है वो चेंज की गई है वो हम आगे देखेंगे अगर आपको भी समझने में दिक्कत आ रही है अगर किसी बच्चे का गैंगरेप हुआ है द पेनल्टी डिफर्स बेस्ड ऑन वेदर द विक्ट इज अबो और बिलो एटीन ठीक है कोई भी विक्टम है मिस्टर मिस्टर एक्स ठीक है अगर उस बेचारे का गैंगरेप हुआ है बिचारी का गैंगरेप हुआ है मिस एक्स का तो अगर वो बिलो एटीन थी तो पनिशमेंट अलग होगी क्रिमिनल्स की एंड अगर वो अबोव एटीन थी पनिशमेंट अलग होगी रेप के केस में ठीक है पनिशमेंट अलग होगी हाउ एवर फॉर रेप रेप के लिए क्या है पेनल्टी इज डिफरेंट बेस्ड ऑन वेदर द विक्टिम्स एज इज़ बिलो एटीन बिटवीन टू 16 और अब दैट मींस अगर रेप हुआ है किसी का मिस ए का ठीक है एंड अगर वो 12 साल से कम की बच्ची थी तो जो क्रिमिनल है उसको अलग पनिशमेंट मिलेगी अगर 12 टू 16 बच्ची का एज थी तो क्रिमिनल को अलग पनिशमेंट मिलेगी अगर 16 अबो है तो उसके लिए अलग पनिशमेंट होगी दैट मीन जितनी छोटी बच्ची है जिसका रेप हुआ है उतनी ज्यादा खतरनाक पनिशमेंट उस क्रिमिनल को मिलेगी ठीक है ऐसा नहीं पहले क्या होता था आईपीसी में बिलो 18 चाइल्ड है माइनर कंसिडर किया जाता है तो बिलो 18 क्या होगा सेम टाइप की सजा या 16 बिलो 16 माइनर कंसिडर किया जाता है तो बिलो सिक्सटीन सेम टाइप की सजा सबको मिलेगी अब इसमें क्या हुआ कि अलग अलग कैटेगरीज की गई कि अगर बारह साल से छोटी है बची तो सजा ज्यादा आपको स्ट्रांग जो क्रिमिनल है उसको सजा ज्यादा स्ट्रांग मिलेगी ठीक है ये इनकन्सिस्टेंट है विद पॉक्सो एक्ट क्योंकि पॉक्सो एक्ट क्या करता है वो क्लासिफाई करता है बिलो द एज ऑफ एटीन सबको एस माइनर ये आपको पता होना चाहिए स ऑफ आई पी सी ऑन रेप एंड सेक्शुअल हरासमेंट इट डॉट कंसिडर रिकमेंडेशन ऑफ द जस्टिस वर्मा कमेटी देप जेंडर न्यूट्रल एंड इंक्लूडिंग मेरिटल रेप एज एन ऑफेंस तो जस्टिस वर्मा कमेटी को अपॉइंट किया गया था इन्होंने कहा था कि जो ये है रेप है उसको जेंडर न्यूट्रल बनाओ रेप यूजली क्या कंसिडर किया जाता है जो मैन ने कमिट किया हो अगेंस्ट वुमेन तो दो जेंडर्स हम इसमें बोलते हैं लड़का और लड़की की बात करते हैं एंड ठीक है जस्टिस वर्मा कमेटी ने कहा था रेप जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए इसमें दो जेंडर्स इंक्लूडेड नहीं होंगे एक ये बात जस्टिस वर्मा की एंड सेकेंडली मैरिटल रेप जो है शादी के अंडर जो हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर जो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनता है उसमें वाइफ का कंसेंट नहीं होगा उसको रेप कंसिडर किया जाएगा तो मैरिटल रेप को क्या करो उसको भी ऑफेंस बनाओ तो बी एन ने क्या किया था इन दो चीजों को क्या किया है कंसिडर नहीं किया है कि जो रेप एज एन ऑफेंस है ना वो जेंडर न्यूट्रल होगा और ना ही मैरिटल रेप को एज एन ऑफेंस कंसीडर किया जाएगा ठीक बीएनएस टू ओमिट सेक्शन थ्री 7 377 ऑफ आईपीसी व्हिच वाज रेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट दिस रिमूव्स रेप ऑफ मेन एंड बेस्टियलिटी एज ऑफेंसेस तो जो सेक्शन 377 है ऑफ आईपीसी ठीक है उसमें पहले क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने जो सेम सेक्स रिलेशन है सेम सेक्स रिलेशन जो सेम जेंडर के लोगों के बीच में रिलेशनशिप बनता है उसको डिक्रिमिनलाइज किया था डिक्रिमिनलाइज ठीक है दैट मीन्स सेक्शन थ्री सेवेंटी सेवन के कुछ पार्ट्स को डीक्रिमिनलाइज किया था पहले उसको ऑफेंस कंसिडर किया जाता था कि अगर सेम

पहले सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्सुअल रिलेशनशिप को डिक्रिमिनलाइज किया था तब उन्होंने रेप ऑफ मैन एंड बेस्टियलिटी की बात नहीं करी थी ठीक है वो एज इज उसमें थे। लेकिन अब बी एन एस टू ने इसको रिमूव किया दैट मीन्स कि रेप ऑफ मैन जो है ना वो ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा और ना ही बेस्टियलिटी को ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा बेस्टियलिटी होता है सेक्सुअल रिलेशन अगर कोई एनिमल के साथ जबरदस्ती करे ठीक है तो अगर रेप ऑफ मैन हो उनको कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है वो क्योंकि उनका रेप को ऑफेंस नहीं कंसिडर किया जाएगा एंड अगर बेस्ट हुई है दैट मीन्स वो एनिमल्स जिनके साथ ऐसा किया है उनको कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है क्योंकि उस एक्ट को अब ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा वो किस वजह से नहीं किया जाएगा क्योंकि बी एन एस टू को कंप्लीटली स्ट्रग रिमूव किया है बी एन टू ने रिमूव किया है सेक्शन 377 ऑफ आई को ये याद रख लेना पहले सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स रिलेशनशिप जो जो है सेम जेंडर के लोगों के बीच में बनता है उसको किया था लेकिन जो रेप ऑफ मेन एंड बेस्टी एज ऑफेंसेस थे पुराने आईपीसी में उसको इन्होंने नहीं छेड़ा था वो एज इट इज ऑफेंस कंसिडर होते थे लेकिन अब बी एन एस टू ने उसमें चेंज लाई है एडिशनली अंडर बी एन टू जो थ्रेशोल्ड है एज थ्रेशोल्ड ऑफ द विक्टिम फॉर सर्टेन ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन इज नॉट 18 देखो ये क्या बोलता है जहां हम बिलो 18 को चाइल्ड कंसीडर करते हैं वहां कुछ ऑफेंसेस में हम क्या करेंगे बिलो 18 को नहीं चाइल्ड कंसीडर करेंगे एज ब्रैकेट को चेंज करेंगे उसकी एग्जांपल देखो किडनैप अगर किसी 10 साल का बच्चा अगर किडनैप होता है तो उसको जो किडनैपर है उसको वही पनिशमेंट मिलेगी मतलब यही बोला जाएगा कि उसने एक बच्चे को किडनैप किया तो अकॉर्डिंगली उसको पनिश किया जाएगा लेकिन अगर टेन ईयर्स के अबो बच्चे को किडनैप किया जाता है तो उसकी पनिशमेंट वही होगी अगर एक एडल्ट को किडनैप जो पनिशमेंट एक एडल्ट को किडनैप करने की है ठीक है उसकी पनिशमेंट होगी एडल्ट वाली तो यहाँ पे जो चिल्ड्रन की एज है वो चेंज होगी ना अकॉर्डिंग टू द क्राइम हमने क्या पढ़ा गैंग रेप में हमने पुला आईपीसी ने क्या कहा था 16 कंसीडर किया था ठीक है और यहाँ पे बीएनएस 2 ने और जनरली क्या करते हैं हम चिल्ड्रन को कंसिडर करते हैं बिलो एटीन ये भी हमने पढ़ा हुआ है वीडियोज में लेकिन यहाँ पे क्या चेंज लाई है बी एन ने कि कोई एक क्राइम के लिए उस एज ब्रैकेट को आप चेंज कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल ये चीज मेंशन की है ये एग्जाम्पल कि अगर किडनैप किया जाता है किसी का बच्चा इस रीजन इस इंटेंशन uh, से कि उसको उसके पेरेंट्स से दूर ले जाना है उस केस में वो बच्चा सिर्फ दस साल का कंसिडर किया जाएगा टेन ईयर्स तक का अगर वो बच्चा इलेवन ईयर्स का होगा तो वो बच्चा कंसिडर नहीं होगा उस केस में उस केस में जो क्रिमिनल को पनिशमेंट मिलेगी वो उसी फॉर्म की पनिशमेंट मिलेगी जो एक एडल्ट को किडनेप करने पे मिलती है ठीक है तो ये भी याद रख लेना क्योंकि आपके चाइल्ड राइट और वुमेन इनसे सब चीजें रिलेटेड हैं आईपीसी क्रिमिनलाइज एक्ट सच एज रेप स्टॉकिंग इंसल्टिंग द ऑफ वुमेन ऑलरेडी क्रिमिनलाइज किया हुआ है एंड बी एन एस टू ने इन प्रोविजन को रिटेन किया है इन प्रोविजन को क्या किया हुआ है हाँ क्रिमिनल एक्ट माना है रेप स्टॉकिंग इंसल्टिंग हमें पता है वॉयरिज्म होता है प्राइवेट मोमेंट्स को कैप्चर करना फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की नहा रही है उसका वीडियो बना के लीक कर देना या कोई जिम में क्लोथ चेंज कर रही है कोई लड़की उसका उस टाइम पे बी वीडियो बनाना या उसको चोरी से देखना इसको वॉयरिज्म बोलते हैं इन सब चीजों को क्रिमिनल एक्ट मानती थी आईपीसी एंड बी भी मानती है लेकिन चेंज क्या लाई है आईएनसी के अकॉर्डिंग आईपीसी के अकॉर्डिंग जो गैंग रेप थी उसमें एज क्या कंसीडर की जाती थी सिक्सटीन दैट मीन्स बिलो सिक्सटीन माइनर कंसिडर होंगे बी एन एस टू ने क्या किया है उसको एक्सटेंड करके उसको इंक्रीज किया है एटीन दैट मीन्स अब जो सिक्सटीन टू एटीन वाले एज के हैं अगर उनके साथ गैंग रेप होता है वो भी कंसिडर किए जाएंगे माइनर एंड अकॉर्डिंगली पनिशमेंट उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उनके क्रिमिनल्स की ये क्रिमिलाइज करता है इंटरकोर्स विद अ वुमेन वुमेन बाय मींस और मेकिंग फॉल्स तो अगर किसी को कोई शादी का प्रॉमिस करे या ऐसा कोई धोखा देके कोई रिलेशनशिप डेवलप करके उसके साथ धोखे से सेक्शुअल रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करे तो उसको भी क्रिमिनलाइज किया गया है ठीक है तो यही चार पांच छह चीजें थी जो आपके वुमेन राइट चाइल्ड राइट से रिलेटेड थी एंड आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर सेट करने के टाइम ही ये चीजें न्यूज में आई हैं न्यूज पेपर में आई हैं और आई अज्यूम कि जिस टाइम पे आपका पेपर सेट हुआ होगा उस टाइम पे खबरें चल रही होंगी तो हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए ठीक है तो जब तक मैं आपका नेक्स्ट मैराथन और एम सी क्यू लाती हूँ यूनिट फाइव का यूटिलाइज दैट टाइम उसको रिवाइज करो मैं टाइम गैप इसीलिए रखती हूँ ताकि आप रिविजन करो उतने टाइम में अगर मैं एक दिन यूनिट वन का मैराथन लाऊ लाऊ नेक्स्ट डे यूनिट टू का मैराथन लाऊ तो आप रिविजन कब करोगे फाइन तो जो टाइम गैप आपको मिलता है उसमें आप रिवाइज करो अब हमारे दो ही यूनिट्स के मैराथन रिवीजन और एमसीक्यू बचे हुए हैं यूनिट फाइव एंड यूनिट सिक्स तो वो भी मैं टाइम पे लेके आऊंगी तब तक आपको क्या करना है पुराना रिवाइज करना है ठीक है तो आई होप जो मैंने आपको पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा टिल द टाइम आप लोग नेक्स्ट यूनियो बाय टेक केयर हैव अ है, 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 ग्रेट डे